हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं कौन सा एडिटर यूज करता हूं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहां पे गूगल में चलते हैं और हम टाइप करते हैं वीएस कोड, वीएस कोड डाउनलोड, वीएस कोड या वीएस कोड। तो यहाँ पे आ गया डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो देखिए मैक लिनक्स विंडो सभी के लिए है ये अवेलेबल। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो exe फाइल ये डाउनलोड हो जाएगी विंडो के लिए, और आपको जैसे मैक के लिए या लिनक्स उबंटु इनके लिए आपको डाउनलोड करना, डाउनलोड कर लीजिए और सिंपल सॉफ्टवेयर है उसको क्लिक 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 करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में एक फोल्डर बनाया था HTML, उसमें एक फाइल बनाई थी इंडेक्स, इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा ओपन विद, तो ओपन विद में यहाँ पे आएगा विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये ओपन हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पे जाएं टर्मिनल ओपन करें सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब मैं जाता हूं यहाँ पे फिर से अपने फोल्डर में और मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, देखिए सी यूजर बलजीत सिंह डॉक्यूमेंट्स एचटीएमएल, या तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, डाउनलोड्स और इसमें मेरा फोल्डर था HTML, HTML में मैं चला गया, यहाँ पे जाऊंगा कोड और डॉट। ठीक है, इस तरह से एंटर करूंगा तो देखिए मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। हो गया, ये मेरी फाइल है, ये फाइल ओपन कर ली मैंने फाइल पे क्लिक करके, यस ट्रस्ट ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सिंपल मेरा, यहाँ पे नोटपैड में दिखा देता हूँ, नोट पैड के टैग देखिए और यहाँ पे टैग देखिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे हमारी समझ में सारे टैग एक से लगेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कलरफुल है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो में ये कलरफुल है, तो हम यहाँ पे चले गए और यहाँ पे जाके देखिए इस तरह से। ठीक, अब मैं आपको ले चलता हूँ फिर से यहाँ पे, ये यह मेरा यहाँ पे ब्लॉग है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे आपको थ्योरी अगर देखनी हो तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऑल HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट टाइप से सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे स्टार्ट होने चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पे मेरी वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल यू करेंगे तो सारी वेबसाइट मुझे मिल जाएगी। तो आप इस किसी भी वेबसाइट में देखिए HTML की, तो यहाँ से ये ऊपर देखिए डॉक टाइप HTML के HTML टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, आप इसको सेव कर लें, पूरे को सेव कर लें और डॉट एचटीएमएल किसी भी फाइल में, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, फर्स्ट डॉट एचटीएमएल में आप सेव करके इसको ओपन करें तो आपको इसका एचटीएमएल मिल जाएगा और आप इस वेबसाइट का एचटीएमएल क्या क्या यूज हुआ है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं चलता हूं यहाँ पे, तो ये तो था। अब इसमें देखिए जो इसमें एचटीएमएल का जो बिगिनिंग टैग होगा वो एचटीएमएल होगा, डॉक टाइप के बाद एचटीएमएल और फिर क्लोजिंग भी, ये क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने वीएस कोड में, मैं आपको दिखाता हूँ वीएस कोड में, इसको बंद करता हूँ ये एक्स्ट्रा को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डॉक टाइप के बाद एचटीएमएल टैग है, ये पेरेंट टैग है, ठीक, ये ओपनिंग टैग है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग है। ओके, फिर मैं चलता हूं और आपको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखाता हूं बॉडी। बॉडी क्या होती है, विजुअल पार्ट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो हमारी वेबसाइट है इसके अंदर यहाँ पे जो जितना भी दिख रहा है ये विजुअल पार्ट, जो भी यूजर को विजुअल होगा वो बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये H1, S6P पैराग्राफ बनाए हैं ये बॉडी के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे ये बॉडी के अंदर, मतलब इसको यूजर देख सकता है। ठीक, इसके बाद HTML हेडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स होती हैं। तो H1 क्या करता है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होती है कि ज्यादा बोल्ड होती है, और H6 लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होती है। तो इसको ही हम देखने वाले हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे गया H1, H6 तक मैंने दिखा दिया था आपको, अब मैं सारे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ H2, H3, H4, H5, इसी तरह क्लोजिंग में भी चेंज करना पड़ेगा H2, H3, H4, H5। अब मैं सेव करता हूं, जाता हूं यहां पे, इसको मैंने ओपन नहीं किया है, ओपन किया है तो दूसरे ब्राउजर में, यहां पे ओपन किया हुआ है। अब मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए आप ये H1 है, ठीक है,
और ये एच टू है, एच थ्री है, एच फोर है, इसका साइज जो है देखिए डिक्रीज होता चला गया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट से लीस्ट इंपोर्टेंट की तरफ ये हमारा हेडिंग जा रहा है। तो आप समझ गए इसके डिजाइन को। फिर दूसरा हमारा आता है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये मेरा पैराग्राफ है। कोई भी आपको टैक्स यहाँ पे लिखना है, पैराग्राफ आप बनाना चाहते हैं इस तरह से, तो एक टैग दे सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया। ठीक, डायस्टियल पैराग्राफ इज डिवाइड बाय पी। पी यहां पे टैग दे रखा है, तो पी अगर ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। ठीक, फिर हमारा आता है HTML लिंक्स। HTML लिंक्स हमारा आता है, यहां पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अगर हमें कोई लिंक लगाना है तो लिंक भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यहां पे लिंक। ये चलिए मैं रिफ्रेश कर देता हूं इसको। ये देखिए लिंक बन गया यहां पे। जैसे इस पे क्लिक करूंगा मैं, इस पे मैंने क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया था क्लिक, तो न्यू, मेरे न्यू टैब में खुल रहा है। ये हम आ गए यहाँ पे यूट्यूब पे। तो इस तरह से हम कोई भी लिंक लगा सकते हैं। और एक होता है हमारा इमेज, हम इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे उसके लिए टैग होता है इमेज SRC, SRC में इमेज का पाथ दे देंगे, इस तरह से वो क्लोज हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग है इमेज का। ठीक है, अगर कोई इमेज हम यहाँ पे फोल्डर लें, इसके अंदर HTML के अंदर यहाँ पे इमेज फोल्डर बना के सारी इमेज रखें, तो यहाँ पे हम उसका पाथ दे दें तो वो इमेज भी हमारी दिखने लगेगी। ठीक है, तो इमेज का भी मैं कुछ आपको टैग ऐड कर दूंगा इसमें अपने ब्लॉग में, और ब्लॉग का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी कुछ बेसिक हमारी टैग्स HTML के, और हमें कौन सा एडिटर यूज करना है, VS कोड हमें यूज करना है, तो आप भी VS कोड फॉलो करिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।